कर के सुलह सिंगार बुढ़वा ब्याहन चला। ब्याहन चला हो बुढ़ा ब्याहन चला, ब्याहन चला हो पारे ब्याहन चला। मरघट का पाहुन तैयार बुढ़वा ब्याहन चला। हाँ श्रोता प्रेमियों, मैं बूढ़े बाबा का विवाह आगे बढ़ाऊं उससे पहले आपको अपना पता दे दूं। अगर कोई संपर्क करना है या कोई बात करनी है तो हमारा पता नोट करें। नवीन कुमार मिश्रा, महावीरा कैसेट, पलिया कला, जिला लखीमपुर खीरी। के सोला सिंगार बुढ़वा ब्याहन चला। भैया बारात पहुंच गई मास्टर सफी। कहाँ पहुंच गई महाराज? भैया बारात पहुंच गई कहाँ? गांव में। गांव में भैया बारात पहुंच गई और साथ में सुखदीन दुबे सलाहकारी भी मौजूद हैं। सब आगे पीछे लगे हैं। जब पहुंची बारात तो भैया दुल्हा के रे नेरे यानी नजदीक आई जाते हैं लोग देखने वाले। सही बात है। गांव बेचारे अपने औरतें हैं, उनकी एक आदत है कुछ देखे ना जाए, दुल्हा देखे जरूर जाई है कि भैया दुल्हा कैसा है। दुल्हा के बड़ी बैलू हो, दुल्हा देखा है जरूर जाई है। तो भैया दुल्हा करीब जौन आवे बैसाखी मुस्की छाड़े बैसाखी मुस्की। मुस्की तो कई प्रकार होत ना, एक होत मुस्की और गद्दर मुस्की है और बैसाखी मुस्की। तो आपस में बेचारे सब अपना बैसाखी मुस्की छाड़ छाड़ जब दूल्हा वार देखे तो हम कहा का दुखिया मार हंसी मुंह पर दाब दाब और चुप्पे से कोने में बतलावे कि भैया यो हाँ कि यो दुल्हा है कि दुल्हा के बाबा है बाबा। लोग कहा यो दुल्हा है कि दुल्हा के बाबा। कुछ वापस में कहा है यो सिर पर मौर धरे है हैं या मैयत। लोग कहा है भैया लोग कहा है या मौर धरे है या मैयत, या बिहाय आवा है या मरघट कर पहुना उठ के सीधे शमशान घाट से मरघट से सीधे बिहावे चला रहा है। और कुछ तो चुपे चुपे कहा ये दुल्हा है यही की मूछें देखो सफा चट सफा चट। अरे दूर 3 किलोमीटर तक कहूँ एक मोच के रोवा नजर में आवे तो रोवा बद्री पांडे तक कहा भैया। हाँ वही भल्लर मारे बद्री मारे हैं मूछें सफा चट। और भैया कुछ तो चुप्पे चुप्पे कहा है जान तो का कहा ये दुल्हन बिहावे थोड़ी आवा, दुल्हन बिहावे ना आवा यो दुल्हा दुल्हन के तेरही करे आवा तेरही ये दुल्हन के तेरही करे आवा। बाबा पीनसम चढ़ गए भल्लर पारे। अब पीनसम चढ़ गए भैया ऐसे लागत पीनस में डोली में बैठे भाई बाबा ऐसे लागत जैसे कोई कैदी हैरान भवन है पकड़ के लोग जैसे कोई कैदी जेल खाना तोड़ के भाग जाए तो मार भाई का वारंट कटत और खोज खाज लावत बैठा दे तो भल्लर पारे पीनस में ऐसे लग रहे हैं जैसे कोई कैदी हैरान भवा तो भैया हवा है। या कबो कबो देखा तो जैसे कोई बिरवा कट जाए, बिरवा कट जाए तो वही के नीचे से नए कल्ला निकल जाए तो वही के ऊपर बढ़िया हरेरी डंग तैयार हो जाता। लेकिन वह हरेरी डंग के नीचे वो पुराना जो नए हो खूसत जड़ ठूठ ठूठ
वो ठूठ ना लगे चमका कर तो बुढ़ावा बारात में ऐसे लागे जैसे ठूठ कतई भैया ठूठ धन्य हो बुढ़ावा। और भैया बड़ा खुश मन है मन सिहाय रहे कि हम पर कोई नीक ना है। जैसे देख ना लोग मेलम जात ना तो अपने काजर लगा लिए तो बहुत अपने होठे चबावत चले जाते पान पकड़ावत चले जाते मन में सोचे हैं हमें धर्मेंद्र लागी थी इस समय। ऐसे बाबा बड़ा खुश हुए हम भर कोई सुंदर ही ना है हम, लेकिन बाबा सुंदर अंदर कुछ ना है अपने मन में सुंदर बंत लेकिन दिखौआ का ठूठ है ठूठ। अब भैया दुल्हा पहुंचेगा व्यवस्था हो लाग आधी रात हम भौरी केर समय आवा भौरी केर। अब हम पहले ने बता चुके हैं भल्लर पारे कर रताउंधी आवत रहा आए है विहाय उम्र 55 साल देहिम नाई खाल और रताउंधी आवत है भैया फेरा डारे जात। जब आधी रात बीती और फेरी के समय आवारी भावरन के समय तब कहा सुनो भैया जब पहरु छा भरी रात बीत जब पहरु छा भरी रात बीत तब भौरी ने कह बारी आई सब काम रताउंधी ने नास किस सब काम रताउंधी ने नास किस दीदनी आगे धुंधरी छाई भैया आधी रात जब बीती और भावरन के नंबर आवा तो जौन लड़िकावास ने पंडित जी गए रहे तो भाई जौन लड़िकावास जाए वो अपने दुल्हा के बटी और दुल्हा के ख्याल रखी और जो लड़की वास जाए अपने भैया लड़की वाले ध्यान रखी। तो भैया भल्लर पारे के जौन पंडित रहे वे तो जनते रहे 55 साल में रताउंधी आवत रताउंधी। तो बेचारे सोची ने कहूं रताउंधी लूढ़ा की गए तो भेद खुल तो जो उनके पंडित रहा वे चाल चली कहन भाई देखो हमारे गांव के परंपरा है या हमारे बिरादरी में या हमारे वंश के या परंपरा है कि जब दुल्हा भौरी डारत है तो दो चार जो नेगी आवत ना संगम नेगी तो भाई जब हमारे दुल्हा भावत डारत है तो दो चार नेगी वही का पकड़े पकड़े संघई चलते संघाए। सोचिन पंडित कि अगर इनका कहन डाल रहा हूं तो ये तो साताइम कौन कहे पहले हम लुढ़के पड़े हुई और नेगी कर दीवा तो नेगी रही है पकड़े तो यूके सहारे सहारे अपने जैसे अंधारा ना लाठी टेकर चला जाए तो ऐसे बढ़ू चले दिए कम समझे तो नहीं खुली है हमारे दुल्हा के तो कहीं और संग मैया सुख दिन दुबे जो सलाहकारी रहे वही कहीं भाई ये कुनाए हमारे वहां खानदान परंपरा है चार चार नेगी संग है चलते कि दुई बड़ा अंग से दाब ले दू अंग से दाब ले कतई लाइन आउट ना हो जाए गऊ हैं। तो भैया अब का चार छे नेगी आओ बाबा कहीं पकड़ के रे भावर डरवा डरवावे लाग यानी भावर संग संग दुलाइन संग संग चार छे हाँ चार छे नेगी भैया घूमे लाग मगर वादसा जब भगवान बिगा रहे तो कौन बनावे और जब रताउंधी बिगा रहे तो कौन बनावे। भावरी ने केरे साथ साथ दुल्हा भल्लर पारे केर भैया नेगी घूमे लाग और जब घूमे लाग नेगी तो भवा का कि जिन हमका पकड़े पखौराते पखौरा से फिर सातौ भौरी घूमवावा भैया पुतुलाल हमारे बात ध्यान दे के सुनो भैया पुत्तो तुम बुढ़ावा हो गए
तुम हम बहवा हुई के ढोलक बजावत बजावत कहूं तुम्हारा भाव हाल ना होए। फिर हमका पकड़ी पखौरा ते फिर साताऊ भौरी घुमवावा। मगर भैया भगवान बिगाड़ दीन रतौंधी बिगाड़ दीस। का बिगाड़ दीस महाराज? छे भावर नीकी नीकी पूरी हुई गई, सतैम लाइन आउट हुई गई। मालूम का जत्ते नेगी रहे वह ऊपर के तो भैया लाइन पकड़े रहे और नीचे गए भूल की गोड़ा लागे है बाबा के रे और ओम या कपनी आवत है कपनी सेंटर आउट होई का बाबा सतई भौरी सतई भावरी माँ पाँव मारू परिका बेटी के गरुआ माँ। सतई भावरी माँ पाँव मार परिका बेटी के गरुआ माँ अधपका अधपका ऐस भा तरवा माँ अधपका ऐस भा तरवा माँ। यानी ऊपर तो नेगी भैया पकड़ के चलते ना है बाबा के पांव बेदी के गरुआ में जाएगा पड़ेगा। यानी यानी जो वो का हवन सुलगावत है हाँ हवन कुंड बाबा का पांव हम गवा पर बाबा कसके उच्च के यह मोट कदुआ जैसे छाला पड़ेगा पांव भैया इसे बाजे बाजे ने गोड़ भूला होते हाँ ये पील पांव ना जब पील पांव वैसे बाबा के तरुवम पील पांव होएगा। अब भैया बाबा धर जर गए मारम आगे इनके पड़ गए का करें छिपावे खे ना कि रहता हूं धियावत है। तो भैया भवा का जब बाबा जरिए हम बका जी का कह दीन अरे नेगी हैं बिन आखिन के आखिन के बस यतना कहते हमारे मुंह कुछ घुस गए पखवा पाखिन के। जब बाबा जरिका पाओ तो बाबा ही ना कहीं हम कर आवत कसके बिगड़ पड़े। अरे नेगी लोगो तुम लोग कैसे चलते हो यार देखा तुम्हारा सूझत नहीं आखी तुम्हारे नहीं है का हमारे पांव जो है बेदी में डरवा दियो। और अतना जब चिल्लाए कहीं तो भैया हुआ लाग रहा है बल्ब बड़ा 200 वाट के मारे स्टेबलाइजर से चल रहा है जगनेटर से ने है तो मैं मार पाखी उड़ाती रहे पाखी बरसात के टाइम हो या साढ़ भवा हो बिहार बाबा है तब बाबा के रे मुंह में मार वे पाखी जो नहीं होती पाखी बाबा जब घुस गई बाबा दिन थूक जब बाबा थूकिन तो वो थूक सब गिरेगा नेगिन पर। जब भैया थूक गिरेगा नेगिन पर तो नेगी मार बिगड़ पड़े ये भल्लर पाड़े हम पर थूके काहे तुम हम पर काहे थूके। तब बाबा ये कैसे कहे कि भैया पाखी घुस गई इके मारे थूकेन बाबा कहा सर के सामने इके मारे थूकेन कि तू हमार गोड़ काहे जराया हो तुम हमार गोड़ जराया तो हम ले लिहन बदला हम तुम्हारे ऊपर थूक दिहन रतौंधी तो बची गई खैरा भाई तो भगवान इज्जत राख लीन भैया। मगर कहाँ तक इज्जत रखें कहाँ तक रखें। अब मौका आवा भैया कलेवा केर कलेवा जब परा कलावा संझलौ के जब परा कलावा संझलौ
फिर विपदा भारी आई। समय आवा छत्तीसा नौवा ले जाए के चौकम पाटा पर बुढ़ऊ भल्लर पाड़े कर तौंधी आवत रहे बैठा दी। भैया बैठा दीस भगवान भगवान भैया मास्टर भगवान इज्जत बचाओ। जब पाटा पर बैठा रिस तब तो बाबक सुझा तो रहा ही नहीं। बैठे चाहिए जी पार थरिया रहा ऊपर सारे बद्री महाराज के लाए सुझाव। भैया बैठे चाहिए पाटावार और जी पार थरिया धरी रहा ऊपर। लेकिन भैया बैठे मालूम है कि पास जिम्मेदार आए बाबा जिम्मेदार। और भैया बैठे कि पार थरिया जिसे पीछे हुई गई और मुंह कर लीन दीवाल वार। जब मुंह कर लीन दीवाल वार जौन बिचारी वा नेगिन रहा खवाए वाली वह कही दुल्हा भैया अरे उपहार का है भैया दीवाल वार मुंह का है करे हो मुंह थरिया वार करो बाबा। तब बाबा चौके हाय दैया का मोर मुंह दीवाल वार होगा का कहीं मोर मुंह का दीवाल वार होगा। तो भैया बात है बनाए लेंगे कहीं तुम का जानते हो हम हाँ बना लीन कहीं तुम का जानते हो हम का दिखा तो नहीं तो हम दीवाल वार मुंह कर लिए। हम दीवाल वार मुंह इके मारे कर लिए कि दीवाल बड़ा सफेद सफेद पुती है तो हमको देखी कि सफेदी कैस है कैस आदत है तो ये सफेदी देख के मारे हम दीवाल वार मुंह कर लिए नहीं तुमका जान तुमका थरिया ना दिखा। सट बाबा थरिया भार घूम गए थरिया वार बाबा घूम गए भैया। हम कहा कि हमारे आखी हैं हम कहा कि हमारे आखी हैं चौवलन निगाहें छेरी रहे न बाबा बोले हमारे आखी हैं हमका सब भैया दिखाते हैं अरे हमका बातें न बनाओ तुमका जानते हो कि हम अंधरा अंधरा है कि हमका रतौंधी आवती है। इतने भैया का भवा बाबा का आगे थरिया धरी गई बाबा खाओ बाबा खाएं कौन दांत हुए तब तब खाएं। बाबा वो थारू थरिया में कर उठाएं मुहमा धरिन गपर गपर भचर भचर लीन गिलास भर पानी गड़ा मतलब पानी साथ लीले पानी साथ भैया सब लील डाली। और अतने एक दूध के बिलवा धर गई रहे खूब बढ़िया हम सारी पड़ी मलाई वह दुल्हन पिए खातिर। हाँ और अतने भावा का एक बिलैया आई गई खानदानी बिलारी आई गई बिलारी अब खाए गए भैया सब दूध के सारी। और बाबा अपना वा घुटा घुट सुझते नहीं। अब जब बुलैया पी गई सारी तो हुए जो नेगिन रहा वह कहे लगी दुल्हा भैया दामाद भैया हाय सारी तो सब तुम्हारे बिलारी खाई गई बिलैया खाई गई तुम बैठे ही हो कन्हट। बाबा फिर बात बनाए लेंगे कहीं तुम का जनती हो कि हम देखित नहीं हैं कि बिलारी सारी खाई गई। हम देखा हाँ, रही। या हमारे घर की आदत है हम खाते पीते घर के हैं हम अपने संग घर में बिलैया के सारी खवावा करी थे दूध पियावा करी थे ऐसे कोई बात ना है ये न जाने कि हम जान ना पाए या हमारा आदत है अपने घरों में संग बिलैया के सारी खवाई दे दूध पियाई दे ऐसे कह के भैया बाबा बात बना लेंगे। मगर आगे जाए के भैया बात ना आई बनी काहे ना बनी घर हूँ मां सदा बिलारी न का हम साथ है दूध पियावा है भगवान। अब आई गई घड़ी
एक बार तो बिलैया सारी संगत संग खवाई थे अपने घर में, कही के बाबा बच गए। बाबा मक्खन लगाए। हाँ, और बाबा धीरे धीरे अपने खात रहे पूरी गुटा गुट गुटा गुट। हाँ, गटा गट बाबा खात रहे। और भैया भवा का अतने में जो एक नेगी रहा है बिचारी एक दुल्हन कोई कर होई वही का परसे काम दिया गया दुल्हा के यहाँ परसो खवाओ। तो वह दुखिया सोचिस दुल्हा भल्लर पाड़े के ला दुई पूरी है उतार दी। वह दुखिया आई पूरी डारे पता नहीं कौन घरी में आई रहा। और बाबा जाने लागत ससुरी बिलैया अब फिर आएगी पूरी खाए क्योंकि पहले मन में सोचना बिलैया सारी खाई गई तो बात बनाए लेंगे। और अब की जब आप फिर पूरी डरे आई खुन्नु खुन्नु बाबा बाबा दिखा तो रहता ना। तो बाबा सोचने लागत ससुरी अब बिलैया पूरी खाए आएगी तो पूरी कर का बहाना बनेगा। ला ससुरी अब की हन कौआ पाटा एक धारी दे। तो वह बिचारी आई पूरी डरे। अब बाबा पड़ोस में रह लकड़ी के बड़ा गरुआ गरुआ पाटा बाबा हाथ में साधे बाबा हाथ में साधे। और पूरा बुढ़ापे का जतना जोर रहा है हाथ संभाल ले भैया। अब मालूम क्या करें पर परसन हारी ठाठी मा जब हाथे ते पूरी डारा हम जाना आई फिर बिलार पारे जानिन आई बिलार पारे जानिन आई बिलार मुरे पर पाटा दई मारा पाटा दही मारा वही का हाल भला भैया रतराम सीमंत उखड़ी गई मुरे के सीमेंट उखड़ी गई मुरे के जैसे प्लास्टर सीमेंट के नहीं उखड़ जात नेगी के प्लास्टर उखड़ी गए भैया सीमेंट उखड़ गई मुड़े के तब रसोईदारी न रोई है सब भेद रतौनिन का खुल गा सब भेद रतौनिन का खुल गा चालाकी सारी खोई है के सुनने वाले भाइयों मेरी बात ध्यान दे अंत में ना कच्ची हंडिया बार बार भैया पुतुलाल कहिए महाराज क्या बात है ना कच्ची हंडिया बार बार बहुते चढ़ाई चढ़ाए थे कच्ची हंडिया कहां तक चढ़ी ना कच्ची हरिया बार बार बहुते चढ़ चढ़ाए थे अदभुके भागेन समझ गयेन ना बनी है बात बनाए थे भैया बाबा के रतौंधी के भेद खुलेगा। अब बताओ श्रोता प्रेमियों इस प्रकार की अगर शादियां होंगी तो आप लोग विचार करें उन कन्याओं का क्या हाल होगा जिनका विवाह ऐसे 55 साल के बूढ़ों के साथ में होगा। बूढ़ऊ बाबा विवाह करके घर को वापिस आ रहे हैं और इससे अगला कार्यक्रम हमारा निकल रहा है साथ ही साथ में बड़ा सुंदर जिसका शीर्षक है रेलगाड़ी। तो श्रोता प्रेमियों बुढ़ऊ बाबा घर आ रहे हैं
अरे करके सोला श्रृंगार बुढ़वा घर का चला। करके सोला श्रृंगार बुढ़वा घर का चला। हाँ हमारे श्रोता बंधुओं, एक नई खबर आपको और दे दें। बहुत जगह से ये पत्र आए कि पंडित जी आपके पूरे प्रोग्राम हमको सुनने को नहीं मिलते हैं, पूरी कैसेटें हमको मार्केट में नहीं मिलती हैं, इसलिए हम महावीरा कैसेट के द्वारा पूरी रामायण कांडों में आपके सामने ला रहे हैं, यानी मार्केट में बहुत जल्द आप लोगों के समक्ष आ रहे हैं लेकर महावीरा कैसेट। हमारे कई कार्यक्रम बाल कांड, अयोध्या कांड, सुंदर कांड, किष्किंधा कांड, ऐसे सभी कांडों की कथा आपको सीरियल बाय सीरियल कई भागों में महावीरा कैसेट के द्वारा प्राप्त होने जा रही है, जिसमें ज्यादातर मानस की चौपाइयां और राधेश्याम की धुनें आपको प्राप्त होंगी। तो श्रोता बंधुओं याद रखें, महावीरा कैसेट के द्वारा महा रामायण का पूरा सेट आपको मिलेगा कांडों के नाम से, बाल कांड कई भागों में, अयोध्या कांड कई भागों में, इस प्रकार से सारे कांड आपको महावीरा कैसेट के द्वारा कई भागों में प्राप्त होंगे। करके सोला सिंगार बुढ़वा ब्याहन चला। करके सोला सिंगार बुढ़वा ब्याहन चला। मरघट पे हो के सवार, ओ मरघट पे हो के सवार बुढ़वा ब्याहन चला। मरघट पे हो के सवार बुढ़वा ब्याहन चला। मरघट पे, मरघट पे हो के सवार बुढ़वा ब्याहन चला। हो मरघट पे हो के सवार बुढ़वा ब्याहन चला। मरघट पे हो के सवार बुढ़वा ब्याहन चला। मरघट पे हो के सवार भल्लर ब्याहन चला। चला हो बुढ़वा ब्याहन चला। ब्याहन चला ब्याहन चला। हो 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 हाँ। मरघट पे हो के सवार बुढ़वा